उसके साथ ही एक और बड़ी खबर हापुड़ से देखने को मिल रही है, जहां पर कोरोना काल के बीच दवाइयों की कालाबाजारी की खबर हापुड़ से सामने आई है। बता दें कि हापुड़ में दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है और इस कालाबाजारी पर डीएम का चाबुक चला है। बता दें कोरोना की दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, जिसको देखते हुए एसडीएम ने फार्मा दुकानों पर छापेमारी की है। बता दें छापेमारी के साथ कार्रवाई करते हुए डीएम के आदेश पर दवा मार्केट पर छापा किया गया है, छापेमारी की गई है। और इसके साथ ही बता दे चले कोरोना के संकट की घड़ी में भी कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कालाबाजारी है उसको अंजाम दे रहे हैं, दवाइयों को चोरी कर रहे हैं और दवाइयों की कालाबाजारी लगातार जारी है। और इसको देखते हुए डीएम की तरफ से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए और इसी के चलते कई फार्मा दुकानों पर, कई दवाइयों की शॉप पर जो है छापेमारी की गई है। और इसके साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में पुलिस लगी हुई है जो लोग कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयों को लेकर मारामारी है, वैक्सीन को लेकर भी काफी चिंता जो है सरकार की तरफ से आ रही है क्योंकि कालाबाजारी हो रही है।